दोस्तों, आपका जो है लैपटॉप बहुत ही ज़्यादा ओवरहीट करता है। आपने इस वीडियो पे क्लिक करा है तो दोस्तों आपका भी जो है लैपटॉप बहुत ज़्यादा ओवरहीट कर रहा होगा। दोस्तों लैपटॉप जो है इतना ज़्यादा ओवरहीट करने लग जाता है कि यार उसके ऊपर तो कोई अंडा भी आप तोड़ के डाल दोगे ना तो वो अंडा भी आमलेट बन जाना है। दोस्तों बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत अपने को देखने को मिलती है। अब जो है भाई ट्राई मत करने लग जाना कि यार कुणाल भाई ने कह दिया तो लैपटॉप के ऊपर जो है अंडे को तोड़कर डाल दे और आमलेट जो है उबल जाएगा। दोस्तों मैं मजाक कर रहा हूँ, दोस्तों ऐसा होता नहीं है। पता चल रहा है अंडा तोड़ा और अपना आमलेट तुमने उबाल लिया। नहीं नहीं दोस्तों, आमलेट उबलेगा नहीं बल्कि लैपटॉप के अंदर अंडा चला जाएगा। तो इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना, मजाक कर रहा हूँ मैं आपसे। दोस्तों ये हीटिंग की प्रॉब्लम हमें क्यों आती है, इसका क्या सलूशन है, ये दोस्तों कुछ जो है आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लैपटॉप जो है ओवरहीट की प्रॉब्लम हमें क्यों देखने को मिलती है और ऐसी हम क्या गलतियां करते हैं जिससे हमारे लैपटॉप में ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम आ जाती है और जो हमारा सिस्टम है कभी कभार तो वो दोस्तों चलते चलते अपना भी बंद हो जाता है। 10 मिनट चला, 20 मिनट चला या मैक्सिमम से मैक्सिमम 30-40 मिनट चलने के बाद जो है हमारा सिस्टम जो है रीस्टार्ट हो जाता है, अपने आप शट डाउन हो जाता है। उसको ऑन करें तो वो बाद में ऑन ही नहीं होता, थोड़ा ठंडा होने के बाद जो है हमारा लैपटॉप ऑन होता है। तो दोस्तों ऐसी कुछ दिक्कत आती है ओवरहीटिंग की। अभी जो है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है, आपका जो लैपटॉप है वो ओवरहीट होने लगेगा और उसके लिए आप क्या ऐसे सोल्यूशन कर सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी सावधानियां जो है आप रख सकते हैं जिससे आपका जो लैपटॉप है वो ओवरहीट ना हो और ओवरहीट की समस्या जो है आपको ना आए, जिससे आपके लैपटॉप की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। क्योंकि दोस्तों ओवरहीट होने की वजह से हमारे लैपटॉप की जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। तो हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि हमें हमारा लैपटॉप ओवरहीट ना हो। ओवरहीट हमारा लैपटॉप क्यों होता है, उसका क्या सलूशन है, वो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दिल्ली से कुणाल प्रदान करता हूं आप सभी का स्वागत अपने YouTube चैनल कुणाल टेक्निकल सॉल्यूशंस में। दोस्तों मैं पिछले 7 सालों से लैपटॉप कंप्यूटर और मोबाइल टेक्नीशियन फील्ड में हूं और जो हूं आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका अगर लैपटॉप बहुत ही ज़्यादा ओवरहीट हो रहा है तो उसका क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों इतना ओवरहीट होता है और ऐसी कौन कौन से सॉल्यूशंस है जिससे जो है आप अपने लैपटॉप की ओवरहीट की समस्या को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पहली प्रॉब्लम की। दोस्तों हम कभी भी जो है अपने लैपटॉप की सर्विस करवाते ही नहीं है। दोस्तों कभी भी आप देखोगे आपको तो 1 साल 2 साल 3 साल हो जाते हैं दोस्तों, आप कभी भी लैपटॉप की सर्विस पे ध्यान ही नहीं देते। मतलब हम कभी मेंटेनेंस पे ध्यान देंगे नहीं, किसी एक चीज़ से बस काम लेते रहेंगे और उसकी मेंटेनेंस का हमें कोई ख्याल नहीं है। हम और जब हमें दिक्कत आने लगती है लैपटॉप में तो तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ लैपटॉप की आपको जो है सर्विस करवानी है। दोस्तों ओवरहीट में सबसे पहले जो है लैपटॉप की सर्विस ही आती है। क्या होता है दोस्तों, लैपटॉप की जो आप जब लैपटॉप को खोलेंगे ना दोस्तों तो उसमें एक फ़ैन होता है, लैपटॉप का फ़ैन जो घूम के हवा को पार करता है हीट सिंक की मदद से। उसके अंदर जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा डस्ट आ जाती है। डस्ट आने की वजह से ऐसा होता है जब आपका पंखा घूमता है, पंखा घूमने की वजह से जो वो एयर होती है, जो गर्म एयर आपके सीपीयू में से निकलकर जाती है बाहर की तरफ, वो बाहर जा ही नहीं पाती, वो लैपटॉप में ही इकट्ठा हो जाती है। इकट्ठा होने की वजह से दोस्तों आपका जो लैपटॉप है बहुत ही ज़्यादा हीट होता है। जब प्रोसेसर बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, एयर बाहर ही नहीं निकल रही, सारी एयर जो है आपकी जो गर्म एयर होती है वो लैपटॉप में ही रहती है, तो क्या होता है दोस्तों आपका लैपटॉप जो है रीस्टार्ट होगा। 10-15 मिनट चल के रीस्टार्ट हो जाएगा या आधा घंटा चलने के बाद शट डाउन हो जाएगा। आप उसको ऑन करोगे तो डिस्प्ले नहीं आ रही, लैपटॉप ऑन ही नहीं होगा क्योंकि सीपीयू इतना हीट हुआ है तो दोस्तों कैसे ओपन होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, लैपटॉप को खोलना है। अगर आपको नहीं आता लैपटॉप खोलना तो लैपटॉप का मॉडल नंबर लैपटॉप के पीछे लिखा होता है, आप जो है उसको यूट्यूब पर सर्च कीजिए और सर्विस लिख दीजिए कि भाई इस लैपटॉप की सर्विस कैसे करते हैं, आपको वैसे पूरी वीडियो मिल जाएगी। पर मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको सर्विस करनी है। फ़ैन होता है दोस्तों, फ़ैन में जो है बहुत ज़्यादा डस्ट आपको देखने को मिलेगी। फ़ैन को अच्छे तरीके से टूथब्रश हो या फिर वो जो अपना पेंट कलर वाला ब्रश होता है, आप उसकी मदद से अपने जो है पंखे को बड़ी आसानी से साफ कर सकते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख भी पा रहे होंगे इस तरीके से जो आपको अपने पंखे को साफ करना है। पंखे को दोस्तों साफ करने के बाद
इसके अंदर एक हीट सिंक होती है, जैसा कि आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, ऐसी आपको एक हीट सिंक देखने को मिलेगी। इसको जो है आपको अच्छे से साफ करना है, ब्रश से साफ कर लीजिए दोस्तों आप। ब्रश से साफ करने के बाद दोस्तों इसके अंदर जो है पेस्ट होती है, सीपीयू के नीचे एक थर्मल पेस्ट होती है। थर्मल पेस्ट आप लेफ्ट साइड में देख पा रहे होंगे, इस तरह की थर्मल पेस्ट होती है। थर्मल पेस्ट को जो है हम खोलने के बाद उसका थोड़ा सा पेस्ट निकाल के सीपीयू के ऊपर लगा देते हैं। सीपीयू पर लगाने के बाद हम जो है उसको उसके ऊपर हीट सिंक रख के उसको कस देते हैं। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, देखिए हीट सिंक और प्रोसेसर एक साथ रहेंगे तो हीट ज़्यादा होती है, पर पेस्ट लगाने की वजह से क्या होता है, जो हीट सिंक होती है और प्रोसेसर होता है उसके बीच में थोड़ा सा जो है गैप बन जाता है, जिसकी वजह से ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम नहीं रहती, तो पेस्ट भी हमें बदलनी पड़ती है। अब बात करते हैं कि सर्विस भाई कितने कितने टाइम पे करवानी चाहिए। दोस्तों अगर आपका गेमिंग पीसी है, आप वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हैं, काफ़ी हैवी वर्क आप जो है लैपटॉप पे करते हैं, तो आपको 4 से 5 महीने में अपने लैपटॉप की सर्विस करवानी है। लैपटॉप की सर्विस आप करवा लेते हो तो इससे लैपटॉप की लाइफ भी बढ़ती है। लैपटॉप की अगर आप टाइम टू टाइम सर्विस करवाते रहेंगे तो आपके जो लैपटॉप की लाइफ है वो 12 से 15 साल भी बढ़ जाती है। अच्छा, अगर आप नॉर्मल लैपटॉप यूज़ करते हैं, जैसे एक्सेल वगैरह, वर्ड वगैरह यूज़ करते हैं, या थोड़ी बहुत यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देख लेते हैं, तो आपको जो है 6 से 8 महीने के अंदर जो है लैपटॉप की सर्विस करवा लेनी चाहिए। 8 महीने में तो करवा ही लेनी चाहिए। दोस्तों लैपटॉप सर्विस के ऊपर मैं आपके लिए एक वीडियो ले आऊँगा, अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि हमें जो है लैपटॉप की सर्विस के ऊपर एक वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर आपके लिए वो वीडियो लेकर आऊँगा। और अगर आपको कभी भी कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप एक कमेंट कर दीजिएगा, आपके एक कमेंट पे वो वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा। दोस्तों दूसरी जो प्रॉब्लम आती है वो ये होती है दोस्तों, कई बार जो है हमारे लैपटॉप में वायरस आ जाता है। वायरस की वजह से हमारे जो है सिस्टम जो हैवी हो जाता है, सिस्टम जो हैंग होने की प्रॉब्लम आती है। अब दोस्तों सिस्टम हैंग होगा, सिस्टम हैवी हो जाएगा तो दोस्तों हमारा सिस्टम जो है ओवरहीट करेगा। इसके लिए सबसे सिंपल आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, विंडोज़ को आप इंस्टॉल कर लीजिए। आप क्या कीजिए, अपना जो सिस्टम है सिस्टम को फुल फॉर्मेट करके उसमें नई विंडोज़ को इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद जो है आप उसमें सॉफ्टवेयर वगैरह जो भी आपको इंस्टॉल करने कर लीजिए। कई बार ऐसा भी होता है सर्विस करने के बाद भी आपका लैपटॉप हैंग कर रहा है, वैसे तो सर्विस करने के बाद हैंग होगा नहीं, पर फिर भी मैं आपको आगे का प्रोसेस बता रहा हूँ। आप विंडोज़ को इंस्टॉल करिए, विंडोज़ को इंस्टॉल करने के बाद आपको जो लैपटॉप है बहुत बढ़िया काम करने लग जाएगा। अगली प्रॉब्लम की बात करता हूँ, हमें ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम क्यों आती है। दोस्तों कई बार तो हम सोचते हैं यार मज़े से काम करते हैं लैपटॉप के ऊपर, बेड पे रख के लैपटॉप को चला रहे जी, अपना पिलो पे रख के लैपटॉप को चला रहे, अपनी जो है गोदी में रख के लैपटॉप को चला रहे हैं, तो दोस्तों इसकी वजह से भी जो है ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम आती है। क्योंकि जब हमारा फैन चलता है तो वो नीचे की तरफ से जो है एयर को खींच के बाहर की तरफ करता है, ठीक है दोस्तों, पर अगर हम उसको पिलो पे रख के चला रहे हैं, हम उसको बेड पे रख के चला रहे हैं, उसको हम अपने पैरों पे रख कर चला रहे हैं, तो दोस्तों इससे जो है आपके लैपटॉप की जो एयर है वो अच्छे से बाहर नहीं निकल पाती है। तो सबसे ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखना है, हमें कभी भी लैपटॉप को बेड पे रख के, पिलो पे रख के, अपने पैरों पे रख कर नहीं चलाना है। क्यों, हमें जो लैपटॉप को यूज़ करना चाहिए दोस्तों वो एक बढ़िया सरफेस के ऊपर यूज़ करना चाहिए, कोई डेस्क हो गया या फिर कोई टेबल हो गई उसके ऊपर आराम से रख के जो है हमें अपने लैपटॉप को यूज़ करना चाहिए, जिससे जो है ओवरहीटिंग का इशू बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। अगली प्रॉब्लम की दोस्तों बात करते हैं, दोस्तों कई बार जो होता है हमने जो है लैपटॉप की सर्विस भी करवा ली, ठीक है, लैपटॉप में वायरस थे, वायरस की वजह से जो है ओवरहीट हो रहा था तो हमने इसमें विंडोज़ भी डलवा ली। दोस्तों अब हमें जो है इसके बाद भी जो है ओवरहीटिंग होने की जो प्रॉब्लम है वो मिल रही है, तो उसके लिए हम दोस्तों एक काम कर सकते हैं, हम जो है मार्केट से एक जो है कूलिंग पैड खरीद सकते हैं। लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे होंगे, आप कुछ इस तरीके का कूलिंग पैड आप ले सकते हैं और कूलिंग पैड के ऊपर आप जो है लैपटॉप को रख के चला सकते हैं। तो कूलिंग पैड के अंदर बहुत बड़ा वाला फ़ैन लगा होता है, फ़ैन से जो है कूलिंग निकलती है, कूलिंग जो है लैपटॉप को ऊपर की तरफ भेजती है, और जो सीपीयू में से जो पंखा एयर बाहर करता है, जो हीट सिंक और फैन ने अभी को दिखाया था, जो फैन की मदद से वो सारी जो एयर होती है वो बाहर निकल जाती है, वो काफ़ी तेज़ी से आपको जो है लैपटॉप को कूलिंग देता है और आपके जो लैपटॉप की ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम होती है उसे दूर करता है। दोस्तों अगली प्रॉब्लम की बात करते हैं, जिससे हमारा लैपटॉप जो है ओवरहीट हो जाता है। दोस्तों ये जो है बहुत कॉमन जो है प्रॉब्लम है, पर बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में पता होता है। दोस्तों कई बार क्या होता है, हमारा लैपटॉप जो है, हमारे लैपटॉप की जो बैटरी होती है वो बहुत ज़्यादा जो है पुरानी हो जाती है, तो पुरानी होने की वजह से दोस्तों वो जो है सही से हमारे जो करंट को है मैनेज नहीं कर पाती है, तो इस वजह से जो है वो ओवरहीट का जो है कारण बनती है। कई बार वो मैनेज नहीं कर पाती तो हमारा जो लैपटॉप होता है
वो बहुत ज़्यादा जो है ओवरहीट करने लग जाता है। और दोस्तों दूसरी जो बात है, हम अगर कंपैटिबल बैटरी और कंपैटिबल अडैप्टर यूज़ करते हैं तो भी हमें जो है लैपटॉप ओवरहीट की जो है प्रॉब्लम मिलती है। हम थोड़े बहुत पैसे बचाने के चक्कर में जो है लोकल अडैप्टर और लोकल बैटरी ले लेते हैं, जिससे हमें एक तो बैटरी बैकअप भी बहुत कम मिलता है, बैटरी बैकअप तो ना के समान है, और जो है हम जो डुप्लीकेट अडैप्टर को यूज़ करते हैं, डुप्लीकेट अडैप्टर यूज़ करने की वजह से हमारे जो लैपटॉप में शॉर्ट सर्किट का जो खतरा है वो तो बना रहता है। पर दोस्तों ये जो है ओवरहीट का भी बहुत बड़ा कारण बनते हैं, लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता, बट ओवरहीट का सबसे बड़ा कारण ये भी होता है पुरानी बैटरी। जैसे कभी आपने देखा होगा बैटरी में कंसीडर रिप्लेस का जो है एरर आता है, वो एरर भी आने के बाद हमें जो है बैटरी को चेंज कर लेना चाहिए, और डुप्लीकेट बैटरी, कंपैटिबल बैटरी और कंपैटिबल अडैप्टर का यूज़ बिल्कुल भी अपने लैपटॉप में नहीं करना चाहिए। चंद पैसे बचाने के चक्कर में हम जो है अपने लैपटॉप को ख़राब कर लेते हैं और ओवरहीटिंग का शिकार हो जाते हैं। आपको जो है कंपैटिबल अडैप्टर जो होता है 500-600 में कंपैटिबल अडैप्टर मिल जाता है, 1100-1200 रुपए की बैटरी मिल जाती है। अब अगर वो आप ओरिजिनल लेने जाएंगे तो ओरिजिनल जो अडैप्टर मिलता है 1100-1200 रुपए का तो अडैप्टर मिलेगा, 3,500-3,000 रुपए की बैटरी मिलेगी। तो दोस्तों थोड़े बहुत पैसे बचाने के चक्कर में अपने लैपटॉप को जो है आप दाव पे मत लगाइए, अच्छी ओरिजिनल बैटरी ओरिजिनल अडैप्टर का ही यूज़ कीजिए, जिससे जो है आपको ओवरहीटिंग की शिकायत तो कम होगी ही होगी, साथ में जो है आपके लैपटॉप की लाइफ भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो दोस्तों कुछ जो पॉइंट्स है ये मैं आपके साथ डिस्कस आज करना चाहता था। आई होप कि आपको जो है मेरे बताए हुए ये पॉइंट्स जो है पसंद आए होंगे, जो मैंने आपको प्रॉब्लम और सॉल्यूशंस बताए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।